मैं आपका मेज़बान बासित शफ़ी आज साटे आया हूँ दिल्ली में, और यहाँ पे हमारी जे एंड के टूरिज़म ने एक बहुत बड़ा स्टॉल लगाया था जो कि जे एंड के को प्रमोट कर रही है, और इसके साथ साथ हमारे डायरेक्टर साहब भी आए हैं जे के टूरिज़म के, तो उनसे हम पूछते हैं इसके हवाले। तो सर पहले आपका खैर मकदम है आने में, थैंक यू वेरी मच। जानना चाहेंगे इस स्टॉल का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली हमने स्नो बेस्ड थीम इस बार बनाने की कोशिश की है। अगर आप देखेंगे इट्स कम्प्लीटली वाइट ऑल अराउंड, तो हमने थोड़ा माउंटेंस, थोड़ा हांगुल और बाकी चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश की है। तो बाकी हमारे जो ब्रांडिंग वगैरह हुई है वो जम्मू कश्मीर दोनों से हुई है। आप अच्छा बल देख सकते हैं, आप चिनाब ब्रिज देख सकते हैं, आप टेम्पल्स इस साइड हैं, यूसमर्क मेरे साइड पे है, तो सारी चीज़ों की ब्रांडिंग हमने उस हिसाब से की है। आई थिंक इस बार रिस्पॉन्स भी काफ़ी ज़्यादा मिला है, तो लेट्स सी। सर इस साल हमें लगा कि मैं एक्चुअली पिछले साल भी आया था आपके इस प्रोग्राम में, इस साल मैंने ज़्यादा क्रेज़ देखा ट्रैवल एजेंट्स का, तो क्या होप करते हैं सर कि इस साल में कितना टूरिज्म रहेगा? आई थिंक वो दैट इज़ टेस्टिमनी टू द फैक्ट कि हाउ टूरिज्म इज शेपिंग अप इन कश्मीर। हम कभी कभी अगर ज़्यादा लोग आ जाएं उसका मतलब ये है कि सबको इसमें एक पॉजिटिव ग्रीन शूट नज़र आ रहा है टूरिज्म में, विच इज़ फैंटास्टिक फॉर आवर बिजनेस। आई मीन लास्ट ईयर वी हैड सो मेनी टूरिस्ट, 2.5 मिलियन से ज़्यादा टूरिस्ट हमारे कश्मीर वैली स्पेसिफिकली आए हैं। जम्मू में अगर वैष्णो देवी वगैरह को ले लें साथ में, तो इट्स बीन मोर देन 1 crore। तो टूरिज़्म तो इज़ पीकिंग राइट नाउ एंड आई थिंक इट विल पीक फर्दर इन द वैली। तो जो रिस्पॉन्स भी यहाँ रहा है, जो सुनने में भी आगे पीछे है कि जे एंड के हैज़ एलिसिटेड द मैक्सिमम रिस्पॉन्स, विच इज़ फैंटास्टिक टू सी। एंड यू कैन स्टिल सी, आई मीन देर आर स्टिल मेनी पीपल फ्रॉम द ट्रैवल ट्रेड दैट इज सिटिंग हेयर, और वो अभी भी अपना बिजनेस जो भी उनका चल रहा है, B2B इंटरेक्शंस हो रही है, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन। सर नई डेस्टिनेशन के बारे में बता दिए। नई डेस्टिनेशंस यही है कि जो भी ऑफबीट हमने 75 सेलेक्ट किए हैं गवर्नमेंट ने, उनका प्रमोशन पे खास ध्यान दिया जाएगा इस साल, और वी आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई आवर टूरिज्म टू दोज प्लेसेस, एंड पब्लिसिटी वगैरह भी उन तरफ होती रहेगी, एंड यू विल सी अकॉर्डिंगली थिंग्स विल बी डन। वहाँ पे जो भी नई डेस्टिनेशन हमने बनाई है, तो वहाँ पे जो अकोमोडेशन का है उस पे कोई बात हो चुकी है क्या? उस पे कोई अकोमोडेशन का देखिए, अभी वी आर गोइंग टू लुक एट होम स्टेज, तो होम स्टेज एक बार सारे रजिस्टर हो जाएँ, उसके बाद वी आर गोइंग टू लुक एट टेंटेड अकोमोडेशन। तो ये दो चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में, बाकी जो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है एज एंड व्हेन बहुत सारे और इश्यूज रिजॉल्व होंगे तब हम उसकी तरफ जाएंगे। सर जे एंड के जम्मू कश्मीर, कश्मीर में तो जे एंड के जम्मू से भी ज़्यादा रश रहता है, तो कश्मीर के लोगों के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ? नहीं, मेरा टूरिज्म से जुड़े देखिए, मैं मेरा तो सारे जे एंड के लिए यही मैसेज है कि टूरिज्म इज़ लुकिंग वेल, इट इज़ लुकिंग ऑन दी अप ऑन दी इट्स